झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में घने जंगलों के बीच बसा है कपिलो गांव। आदिवासी बाहुल कपिलो की ग्राम पंचायत ने सुशासन से सुराज की अवधारणा को जमीन पर उतारते हुए विकास की नई इबारत लिखी है। इस गांव ने सुशासन स्थापित करने में टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन के 5T के मूलभूत सिद्धांत को अपनाया है। 6,500 लोगों की आबादी वाले कपिलो गांव का हर घर बिजली से रोशन है और यहां पहुंचता है नल के जरिए शुद्ध पेयजल। कपिलो के हालात भी कुछ साल पहले तक दूर दराज के पिछड़े गांवों जैसे ही थे, लेकिन 2018 में ग्राम पंचायत के गठन के बाद इस गांव ने बदलाव का बीड़ा उठाया तो उसने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को कुछ इस तरह से तैयार किया कि उसमें सरकार की अहम योजनाओं के अभिसरण से जमीन पर समग्र विकास नजर आए। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी महीने में एक बार समितियों को बैठक करके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हैं। गांव के कमजोर वर्ग को मनरेगा और स्व सहायता समूह से जोड़कर उनकी आजीविका के क्षेत्र में भी इस पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जीवंत ग्राम सभा इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। पंचायत गठन के बाद हुई पहली ग्राम सभा में ही गांव के कच्चे रास्तों को पक्की सड़क में तब्दील करने का निर्णय लिया। हर ग्राम सभा में एक के बाद एक काम करने का संकल्प लिया गया और कपिलो गांव की तस्वीर ही बदल गई। जीवंत ग्राम सभा के लिए ये पंचायत राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार की श्रेणी नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। कपिलो पंचायत में एक और कॉमन सर्विस सेंटर से ग्रामीणों को सारी सुविधा मिल रही है तो वहीं यहां झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने भी गांव में आजीविका की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। कपिलो को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायत द्वारा तैयार किए गए आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण करने पर यहां यूनिसेफ के हेड निकोलस इसवट भी इस गांव का दौरा कर चुके हैं। कपिलो गांव एक मिसाल है कि कैसे सुशासन की राह पर चलकर गांव में विकास की जोत जलाई जा सकती है।